आज रवा का ओबट बनाएंगे। ये साउथ का डिश है। रवा ओबट बनाने के लिए पहले आटा गूंज लेंगे। एक पाव बारीक रवा, बॉम्बे रवा ले रही हूँ। उसमें 2 स्पून जितना गरम तेल डाल रही हूँ। इसको एक स्पून से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसा। अच्छा मिक्स हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अच्छा मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस रवा को आटा गूंजने जैसा गूंज लेंगे। देखिए इस कंसिस्टेंसी में ऐसा। इसमें ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, तला हुआ तेल नहीं लेना चाहिए, फ्रेश ऑयल ऊपर से डाल रही हूँ। 1-2 घंटा इसको भिगाने रख देंगे थाली बंद करके। अभी दूसरे बर्तन में 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ, 1.5 ग्लास पानी। 1 ग्लास नारियल कस के डाल रही हूँ। डेढ़ ग्लास 1.5 ग्लास गुड़ डाल रही हूँ। तरबूज का बीज, इसको अच्छी तरह से घुमाएंगे। देखिए गैस पर रख करके इसको बॉईल करेंगे। देखिए उबल आ रहा है। इसमें अभी इलायची डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे। 1 पाव लोकल रवा, मीडियम रवा, जो उपमाव बनाते हैं ना वही रवा, पतला मीडियम रवा डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा ये हलवा रेडी हो रहा है। इसको अच्छी तरह से मिलाते मिलाते ही रवा डालना चाहिए। देखिए कितना अच्छा हलवा रेडी हो गया है। इसमें 2 स्पून जितना घी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ठंडा होने रखेंगे, थोड़ा ये ठंडा होवे तब तक हमारा जो आटा गूंज के रखा था ना उसको देखेंगे। देखिए कितना अच्छा आटा तैयार हो गया है। देखिए ऐसा, ऐसे कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए आटा। देखिए एक ही लेवल में गिर रहा है, कट कट नहीं हो रहा है। देखिए अभी हलवा ठंडा हो गया है, उसका लोई बनाएंगे ऐसा। देखिए अभी ये बनाने का तरीका देखेंगे। देखिए एक बटर पेपर लेके, इसको ओबट पेपर भी कहते हैं, इसको जो आटा हमने गूंज के रखा था ना उस आटे को एक लोई लेंगे। उसमें थोड़ा ऐसा फैला के इसमें ये हलवा रखेंगे और इसको चारों तरफ से बंद कर लेंगे। देखिए ऐसा बंद करके जो एक्स्ट्रा आटा होता है ना वो भी निकाल के देखिए ऐसा चारों तरफ से बंद कर लेंगे। इसको थोड़ा ऊपर से तेल डाल के हाथ से ही इसको पूरी जैसा ऐसा हाथ से ही शेप देंगे इसको। देखिए ऐसा। अभी इसको दूसरे पेपर में डाल के रखती हूँ। अभी देखिए मैं दूसरा भी दिखाती हूँ ऐसा फैला के उसमें हलवा रख के ऐसा बंद कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से चारों तरफ नीटली बंद होना चाहिए। फिर इसको ऐसा रख के पूरी जैसा फैलाएंगे। देखिए कितना सुंदर, कितना राउंड आया है।
गैस पर तेल रखी हूँ। तेल गरम हो गया है। अभी एक एक वो पूरी जो करके रखा है ना वो डाल रही हूँ। देखिए एक ऊपर आने के बाद ही दूसरा डालना है। देखिए अब ये ऊपर आ गया है, उसके बाजू में और एक डाल रही हूँ। देखिए वो भी पूरी हम तलते हैं ना उसी तरह से। देखिए ये भी ऊपर आ गया, इसको भी घुमा लेंगे। अभी देखिए अभी तीसरा भी डाल रही हूँ। ये थोड़ा रोज कलर आवे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये ट्रैवल के लिए भी 8-10 दिन के लिए रख सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये। देखिए अभी रोज कलर आया है। देखिए अभी इसको निकाल रही हूँ। अभी जो बच्चा है ना वो भी ऐसे ही करके तल लेंगे। जो भी लोही बस बच्चा है ना उसको भी ऐसा ही तल लेंगे। देखिए सच्चे ओबट रवा वाला ओबट तैयार हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। रवा ओबट सच्चे ओबट रेडी।